यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कथा चल रही थी नल पुराण इतिहास से, और उसके 5 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 6वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ। परंतु श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए मेरे पास 3 विशेष व्यक्तियों के कमेंट आए। पहला कमेंट आया है देसी कहानी स्टार से। देसी कहानी स्टार के संचालक महोदय लिखते हैं कि गुरुजी, मैं आपका प्रत्येक वीडियो देखता हूं और आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वो ये भी आगे लिख रहे हैं, गुरुजी, राजा नल का इतिहास या नल पुराण इतिहास का 6वां भाग प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए श्रोताओं, देसी कहानी स्टार के संचालक महोदय एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उनके चैनल का नाम है देसी कहानी स्टार, और वो बहुत शानदार कहानियां अपने चैनल पर प्रसारित करते हैं। कृपया एक बार उनके चैनल को जाकर के अवश्य विजिट करें। और दूसरा जो कमेंट आया है वो है पंकज मीणा जी का। पंकज मीणा जी भी लिखते हैं, गुरुजी 6वां भाग डालिए। और तीसरा कमेंट है गुड्डू राम जी का। गुड्डू राम जी लिखते हैं, गुरुजी 6वां भाग डालिए। और मेरे अन्य समस्त सब्सक्राइबर बंधु भी बड़े प्रशंसा के योग्य मेरे सब्सक्राइबर महोदय, सभी ने मुझे ये कमेंट किया और मेरा उत्साह बढ़ाया कि गुरुजी 6वां भाग डालिए। तो मैं आज आपकी सेवा में 6वां भाग लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने 5वें भाग में बताया था कि राजा नल किस तरीके से भयमाता के समझाने से और दानव के किले पर चला आता है। दाना रहता था घुमासुर, और उस घुमासुर के किले पर राजा नल आ जाता है। घुमासुर के किले की पटिया को माता देवी ने लांगुरिया को भेज करके हटवा दिया, पटिया दूर फेंक दी किले की जो शिला लगी हुई थी, और राजा नल उस किले में जो 100 फली का चक्र चल रहा था उस चक्र को भेद करके प्रवेश कर जाता है। मंजा रानी का पुत्र जब गजमोतनी के सामने आता है तो दोनों में प्रेम हो जाता है, और जब शाम का वक्त होता है, दाना अपने घर के लिए आता है, तो नल घबरा जाता है, और जो गजमोतनी थी, दाने की पुत्री गजमोतनी, राजा नल को जादू से एक मक्खी बना करके डिब्बी में बंद कर लेती है और अपने एक बैना कहते हैं चोटी होती है एक विशेष प्रकार की बालों की, उस चोटी में दुबका लेती है। जब दाना घर आया तो दाना भगवान शंकर का वरदान था, आते ही उसे खुशबू आने लगी। 100 गज एरिया में दाने को खुशबू आ जाती थी मनुष्य की। तो दाने ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, आज मुझे ऐसा लगता है, पहले यह बता कि यह मेरे किले की जो पटिया है, मेरे दरवाजे की शिला है, इसको किसने हटाया। तो लड़की कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो इस किले के अंदर ही सोती रहती हूं, मैं तो कहीं घर से बाहर जाती ही नहीं हूं, हो सकता है आप किले की पटिया को लगाकर ना गए हों। दाना कहता है, नहीं पुत्री, मुझे ये बताइए कि ये मनुष्य की बदबू कहां से आ रही है। तो लड़की बोली कि आप प्रतिदिन मनुष्यों का भोजन करते हैं, इसलिए आपको ये बदबू आ रही होगी। तो दाने को विश्वास नहीं होता है। दाना कहने लगा, लड़की तू झूठ बोल रही है, तू मुझे मरवाना चाहती है, तू सत्य सत्य बता कि तेरे पास कौन आया है। तो लड़की कहती है कि मेरे पास कोई नहीं आया। दाने ने लड़की को उठाया और उठा करके अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, और जब इधर उधर से उसास खींचा और जब श्वास खींचा तो कहीं बदबू नहीं थी मनुष्य की, क्योंकि वो बदबू तो गजमोतनी के साथ उस डिब्बी में बंद हो गई। फिर दाने ने गजमोतनी को मुट्ठी से बाहर निकाला, बाहर खड़ा किया और फिर सूंघा, तो गजमोतनी की तरफ से फिर मनुष्य की बदबू आने लगी। परंतु दाने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो मनुष्य है वो कहां छिपा हुआ है। दाना कहने लगा, घुमासुर,
कि बेटी तेरे पास कोई ना कोई अवश्य है, मुझे सही सही बता कि तेरे पास कौन है। लड़की नहीं मानती है, नहीं बताती है। गजमोतनी बड़ी चालाक थी तो दाना उसे ले जाता है। उसके पास एक भक्सी थी, भक्सी कहते हैं एक सूखा कुआ था जो 100 गज गहरा था, और वो दाने ने इसलिए बनवा रखा था कि जो कोई शिकार उससे बचती थी खाने से, उसे उसमें डाल देता और जब भूख लगती जब उसमें से खा लेता। तो दाना उस लड़की को उस भक्सी पर ले आता है मनसाने के लिए, बात को उगलवाने के लिए कि एक बात को उगल नहीं रही है, और लड़की को उठाया और ऊपर से भक्सी में डाल दिया। परंतु मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गजमोतनी के पास जादू था, संसार में उसके समान कोई जादूगरनी नहीं थी। तो गजमोतनी ने अपने 8 वीरों का स्मरण किया और वो वीर उपस्थित हो गए, गजमोतनी को पकड़ा और आराम से नीचे कुएं में उतार दिया। अब गजमोतनी नीचे चली जाती है 100 गज नीचे, तो गजमोतनी ने जल्दी से देखा और दिब्बी बालों में से निकाली और राजा नल को जो मक्खी थी उसे बाहर निकाला और जादू पढ़ा और राजा नल बना दिया। और राजा नल से गजमोतनी कहने लगी कि देखिए तुमसे ही मेरा विवाह होगा, और इस मेरे पिता के पास इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं। कि कौन कौन सी वस्तु, कुछ बता तो सही। कि मेरे पिता के पास एक वीरवरण नामक घोड़ा है जो जल थल गगन तीनों में समान गति से चलता है। मेरे पिता के पास एक 7 मणियों की माला है। मेरे पिता के पास 7 धार की तलवार है। माँ भवानी की दी हुई अक्षय तेग है जो अपने आप चलती है, शत्रु का विनाश करती है। और मेरे पिताजी के पास नारद मुनि विद्या की पोथी है। ये समस्त चीजें तुझे मिलेंगी और मैं संसार की अद्वितीय सुंदरी हूं। दाना इस बात को कान लगा के सुन रहा है कि ये लड़की किससे बात कर रही है। श्रोताओं, जब दाने ने देखा कि लड़की किसी से बात कर रही है तो दाने ने उसास खींचा। दाने की विशेषता थी कि 100 गज दूर से वो आदमी को खींच सकता था। जब लड़की हवा में उठने लगी तो अपना जादू चलाया, राजा नल को डिब्बी में बंद किया और उसी बैना में जो बालों की चोटी थी उसमें दुबका लिया और दाने ने लड़की को ऊपर निकाल लिया। और दाना पूछ रहा है कि पुत्री सत्य सत्य बता, तेरे पास कौन है? तू अभी किससे बतरा रही थी? कि नहीं पिताजी, मेरे पास कोई नहीं है, इस कुआ में मैं किससे बतराऊंगी? मैं तो केवल उसमें बैठी हुई थी, आपको भ्रम हो गया है। परंतु श्रोताओ, दाने को विश्वास नहीं होता है और लड़की से कहता है कि बेटी यदि तू सत्य है, सच्ची है, तो मुझे तब विश्वास होगा। तू गंगा जल लेके आ, तू एक गंगा सागर में जल भर के ला और गंगा जल उठा कि तेरे पास कोई नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, दाना उस लड़की को गंगा जली पानी से भरा हुआ एक लोटा लेकर आता है और कहता है कि लड़की हे पुत्री, अब तू उठा इसको कि तेरे पास कोई नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, नल कान के ऊपर बैठा हुआ है और रानी गजमोतनी से कह रहा है कि झूठी गंगा जल उठा जा, नहीं तो ये दाना मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे खा जाएगा, तू ही बचा सकती है मुझे। तो देखिए, जो गजमोतनी थी बड़ी समझदार लड़की थी और वो अपने पिता को गंगा जल उठा रही है कि मैं समझा रही तोए, मैं और तू और मेरे सिर पे पति परमेश्वर हुए। जब इस तरीके से गंगा जल उठाई तो दाना कहने लगा कि बेटी केवल यहां मैं और तू हैं, ये तीसरा कौन आ गया, इसे बता ये कहां है, इसी को तो खोज रहा हूं। तो लड़की कहने लगी, पिताजी एक तो मैं हूं यहां और एक तुम हो, और देखिए जो कुमारी लड़कियां होती हैं जिनके विवाह नहीं होते उनके तो पति परमेश्वर ही होते हैं। तो दाने की समझ में आ गया कि मेरी लड़की वास्तव में बड़ी समझदार है और अपनी जगह पर सही है। तो दाना कहने लगा कि बेटी जा, तू मेरे यहां से बरी हुई, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझे गलत समझा था, अब तू आराम से जाकर के सो जा। अब श्रोताओ, लड़की अपने महल में उस बिस्तर पर आ जाती है, अपने कक्ष में आ जाती है और चौक में दाना सो जाता है।
राजा नल मक्खी बना हुआ उस डिब्बी में बैठा हुआ है। प्रातःकाल हुआ और दाना अपने बहुत जल्दी जंगल को चला गया। उसको तो आखिर के लिए जाना होता था, बहुत भोजन करता था, मनुष्य जीव जंतु जो भी कोई मिलता उसे खा जाता था। अब लड़की ने जब दाना चला गया तो डिब्बी निकाली, डिब्बी में से जो मक्खी बना हुआ राजा नल बैठा था, राजा नल को निकाला और दीवार पर रखा और पढ़ के मंत्र फूंका और राजा नल बना लिया। और राजा नल से बात कर रही है, परंतु राजा नल गजमोतनी से कहने लगा कि गजमोतनी, राजा नल के गजमोतिन ते अब नहीं काम सरेगो, काल पूछ ले तेरे बाबा ते कैसे दुष्ट मरेगो। कि गजमोतनी जो तेरा पिता है उससे तू उसकी मृत्यु पूछ कि वो कैसे मरेगा, नहीं तो हम इस तरीके से कब तक रहेंगे। और उधर उसे मामाओं की चिंता सता रही थी। पन्नालाल और फूलचंद समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, दो दिन का समय निकल चुका है। अब तो गजमोतनी पढ़ा करके राजा नल ने तैयार कर दी कि गजमोतनी आज तू ऐसा बहाना बना, त्रिया चंत्र फैला दे, त्रिया जाल रच दे। देखिए श्रोताओं, ये त्रिया जाल ऐसा है कि त्रिया चरित्र न जाने कोई और खसम मार के सत्ती हुई। यदि स्त्री चरित्र फैला दे, जाल फैला दे, तो अपने पति को मारकर उसके साथ सत्ती हो जाती है, यही विशेषता होती है। और यदि अपने सत्य पर आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश और यहां तक कि संसार की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती है। तो त्रिया चरित्र फैला दे रानी, राजा नल कह रहा है, और तू मेरी जान बचा, तेरे पिता को पूछ उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो ये बात सुनकर के गजमोतनी रानी राजा नल से कहने लगी कि ठीक है, आज शाम को पिता को आने दीजिए। तो जब शाम को दाना आया, जब दाना आता हुआ दिखाई दिया तो गजमोतनी ने मंत्र फूंका और राजा नल को मक्खी बनाया और उसी डिब्बी में बंद करके बैना में दुबका लिया, बालों में दुबका लिया। अब देखिए, जब दाना आ गया तो लड़की रोने लगी, रो करके दाने को बहका रही है। दाना कहने लगा, बेटी अब तो गजमोतनी जाल फैला देती है और दाना उसके चक्कर में फंस जाता है। दाना कहने लगा, बेटी मुझे बता तो सही क्या बात है। लड़की बहुत रोई, आंसू बहने लगे, झूठ मांस के आंसू, झूठ मूठ के आंसू, क्योंकि उसे तो त्रिया जाल फैलाना था। त्रिया जाल फैला करके दाने से कहने लगी कि बाबा, जब मुझे आपने बरी कर दिया तो मैं अपने कमरे में जाकर के सो गई, और जब मैं कमरे में सोई तो मुझे एक स्वप्न आया। जब तैने बरी करी मेरे बाबा, जाकर अपने महल सोई और ऐसा स्वप्न आया, मुझे स्वप्न देख बहुत रोई कि मुझे जो स्वप्न आया मैं उस स्वप्न को देख करके बड़ी रोती हूं। तो दाना कहने लगा, क्या हुआ, क्यों पुत्री। कह रही है कि आयो एक बिन मूछन को पट्टा, जग कंधा पे हरियो दुपट्टा। कि बाबा, एक ऐसा लड़का आया जो कि 16-17 वर्ष का युवक था और बड़ा सुंदर और सजीला, बाने फेंक दई तेरी पटिया, बाए देख फटी मेरी छतिया। कि हे बाबा, उसको देख करके मैं घबरा गई, उसने तेरे दरवाजे की पटिया को फेंक दिया। बाबा वो बन गो मेरी सास को लाला और मैन बाग डार दई बरमाला। कि बाबा अपने पिता से कह रही है कि पिताजी, उसके मैंने बरमाला डाल दी, मेरा उसके साथ विवाह हो गया। और एक दूसरी बात, बाबा बाने बहुत बुरो करो। तो लड़की बोली, दाना कहने लगा लड़की से कि बेटी क्या किया। कि पिताजी अब क्या बताऊं, मैं ना बोली वा नरते और बनते और शीश काट दियो धरते। कि बाबा मैंने तो उससे बात भी नहीं की, लेकिन उस लड़के ने तेरे सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो दाना कहने लगा कि बेटी चिंता मत कर, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। लड़की कह रही है, बाबा मैंने ऐसो देखो सपनों और मुझे काल बता दे अपनों। कि हे पिताजी, मुझे तुम्हारा काल बताइए कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता है। जब से मैंने स्वप्न देखा है मुझे नींद नहीं आती, कल नहीं पड़ रही है, मेरे मन को चैन नहीं है। तो दाना उसकी त्रिया जाल में फंस जाता है, अपनी पुत्री को पहचान नहीं पाया। श्रोताओं,
अब देखिए दाना कहने लगा कि बेटी चिंता मत करें, मैं किसी से आसानी से नहीं मर सकता। पिताजी क्यों? कि बेटी इस चौक में जिस किले में हम रहते हैं, पहले तो इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, 100 मन की पटिया इसके दरवाजे पर लगी रहती है, और यदि कोई प्रवेश भी कर गया तो इस चौक में 7 कमरे बने हुए हैं। पहले कमरे में मैंने 4 दानों को बंद कर रखा है, 4 दाने हैं वो खा जाएंगे उसको। दूसरे कमरे में तेरी माता हड़म्पा को बंद कर रखा है, कैद कर रखा है, वो खा जाएगी। और तीसरे कमरे में मैंने एक वीरवरण नामक घोड़ा है, सूर्य का पुत्र है, जो मनुष्यों को खाता है, वो खा जाएगा। और चौथे कमरे में मणियों की माला है, 7 मणियों की माला है, उसके प्रकाश को कोई सहन नहीं कर सकता, वो अंधा हो जाएगा। और 5वें कमरे में मैंने नागराज वासुकी को बंद कर रखा है, यदि चौथे कमरे को भी पार कर गया तो नागराज वासुकी खा जाएगा, और यदि उससे आगे चला तो 7वें कमरे में बहुत गहरी खाई है, चारों ओर पाताल तक जा रही है, और उस खाई में पानी भरा हुआ है, उसमें नाग, बिच्छू, कंछरा, न जाने कितने प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े उसमें पड़े हुए हैं, और उसके बीच में एक अक्षय वृक्ष का पेड़ है, और उस वृक्ष पर एक पिंजड़ा है, और उस पिंजड़ा में एक बुगली है, और उस बुगली में मेरे प्राण हैं। जो कोई उस बुगली को अपने हाथ में पकड़ लेगा, उस बुगली को मारेगा, जो काम बुगली के साथ करेगा वो मेरे साथ होगा। मेरा काल वहाँ है बेटी, और उस तक कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर मैं हूँ, मेरे होते हुए कोई मेरे इस क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए पुत्री तू आराम से जा, बड़े आराम से तसल्ली में रहे। अब तो श्रोताओं, राजा नल कान से कुछ ऊपर बैठा हुआ सुन रहा है, और राजा नल सोच रहा है कि अब तो वो पतो चल गो, देखेंगो कहाँ जाएगो। श्रोताओं, दाना कहने लगा कि बेटी ध्यान से सुन, कोई नहीं मार सकता मुझे, केवल एक नरवरगढ़ नरेश राजा प्रथम होगा, राजा प्रथम की एक रानी होगी मंझा, और उसको वनवास दिया जाएगा, और वन में एक नल नामक पुत्र पैदा होगा जो 4 कला से अवतार होगा, और वो तो ब्यावे वो, और वो मुझे मारेगा, तब जाकर के बेटी मेरा अंत होगा, और इसमें अभी बहुत समय मुझे लगता है बाकी है, वो अभी शायद पैदा नहीं हुआ होगा। श्रोताओं, दाना अपनी पुत्री को समझा देता है, और पुत्री को समझा करके आराम से चौक में सो जाता है। अब राजा नल जो डिब्बी में बंद है उछल रहा है, मन में सोच रहा है कि मैं ही मारूंगा तुझे, मैं ही हूं राजा नल, मैं ही हूं मंजा का पुत्र। मन जब तो गजमोतनी कहने लगी, चुप बैठो रे, हल्ला मत करे, नहीं तो यदि बाबाए पतो चल गो तो तेरो कलेव है जाएगो, जिंदा नहीं बचेगा, तुझे खा जाएगा। श्रोताओं, अब सुनिए ध्यान से क्या होता है। दाना आराम से सो जाता है चौक में बैठ करके, और जब दूसरा तीसरा दिन हुआ, दाना जंगल को चला जाता है, बनी को चला गया, और राजा नल चौक में आ जाता है। गजमोतनी उसे चौक में भेज देती है, उसकी मदद करती है हर काम में, और दाने की रखी हुई तलवार को राजा नल खींच लेता है कि अब देखूंगा तेरे पिता को। तो लड़की कहने लगी, वाह पहलवान वाह, 3 दिनाते मेरे अब डिब्बी में बंद है, तेने पसीनांते डिब्बी भर दई, और अब पहलवान बन रो है। नल बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मारूंगा तो मैं ही। तो लड़की कहती है, ठीक है लेकिन ऐसे नहीं मार सकते, जाओ पहले इन कक्षों को खोलिए। श्रोताओं, जब राजा नल ने पहले कक्ष को खोला, पहले कमरे को खोला, तो उस पहले कमरे में 4 दाने मिले। काफी दिन से भूखे ही थे, बंद थे राज उस घुमासुर की कैद में, चारों दाने राजा नल को प्रणाम करके वन को चले गए। जब दूसरा कक्ष खोला तो हड़म्पा राक्षसी मिली, उस दाने की पत्नी मिली, दाने ने उसे कैद कर रखा था, वो निकल के राजा नल को वरदान दे करके उसका उद्धार हो गया, एक अप्सरा थी वो स्वर्ग को चली गई। जब राजा नल ने तीसरा
कक्ष खोला तो तीसरे कक्ष में सात धार की तेग मिली। तलवार रखी हुई थी सात धार की। राजा नल ने उस तलवार को उठा लिया, क्योंकि उस तलवार को वरदान था कि केवल राजा नल ही चला सकते हैं। चौथा कक्ष खोला तो उसमें सात मणियों की माला राजा नल को मिली। राजा नल ने उस माला को उठा लिया और गले में धारण कर लिया। पांचवा कक्ष खोला तो पांचवें कक्ष में सूर्य का पुत्र वीरवरण नामक घोड़ा बंद था। वीरवरण घोड़े ने राजा नल को देखते ही पहचान लिया। उसे देवताओं का वरदान था कि तेरे ऊपर केवल राजा नल ही सवारी कर सकते हैं, कोई दूसरा सवारी नहीं कर सकता। श्रोताओं, राजा नल आगे और बढ़ जाते हैं और जब छठवां कक्ष खोला तो नागराज वासुकी कैद थे। वासुकी को जैसे ही खोला गया तो राजा नल पर बड़े प्रसन्न हुए और अपना जो पगड़ी थी अपनी उतार करके राजा नल के शीश पर रख दी कि मैं तुझे पगड़ी पलटा यार बना लेता हूँ, तैने मेरी कैद छुड़ाई है और जहाँ तुझे मेरा काम पड़ेगा मैं वचन निभाऊंगा, तुम जहाँ मुझे स्मरण करोगे वहीं आ जाऊँगा। श्रोताओं, और जब सातवां द्वार कक्ष खोला तो सातवें कक्ष में बहुत गहरी खाई बनी हुई थी। तेज अंधड़ चल रहा था और उसमें एक वृक्ष खड़ा हुआ था, परंतु राजा नल के साथ वासुकी नागराज थे, तो नागराज के प्रभाव से जितने भी जहरीले जीव थे वो सब उसको छोड़ करके हट गए। राजा नल उस वृक्ष पर चढ़ गया, बुगली का पिंजरा हाथ में ले लिया, पिंजरे को खोल करके उसमें से बुगली को पकड़ लिया और बुगली को आग लेकर के आ जाता है चौक में गजमोतनी के पास। बुगली को पकड़ करके गजमोतनी के पास आ जाता है। अब गजमोतनी कहने लगी कि देख, मेरे ये पिताजी को पता चल गया होगा क्योंकि इस बुगली में उसके प्राण अटके हुए हैं और मेरे पिताजी आने वाले होंगे, तू जल्दी से इसका अंत कर दे, इस बुगली को मार दे। परंतु देखिए श्रोताओं, राजा नल कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं मारूंगा, यहां आ जाएगा तब मारूंगा। तो ये बात सुनकर के गजमोतनी कहने लगी कि यदि उसके हत्ते चढ़ गया तो कलेऊ भी नहीं होगा, ये मानिए जैसे नाश्ता किया, पेट में चले जाओ, बचेगा नहीं, जल्दी से इसको भींच। जब राजा नल ने उस बुगली को भींचा तो दाने को भी वो महसूस हुआ और दाना गिर पड़ता है, दाना खड़ा होता है और गिर जाता है और राजा नल उस बुगली को भींचे जा रहा है। अब श्रोताओं,